दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए नोएडा में शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूरी तक के सभी शराब के ठेके दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के चलते यूपी में योगी सरकार सतर्क है। नोएडा पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं हमारे संवाददाता ने यहां पर भी हालातों का जायजा लिया। दिल्ली में हिंसा को लेकर नोएडा में भी हाई अलर्ट है। जहां बॉर्डर पर तमाम जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसके चलते दिल्ली से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक मॉडल शॉप पर खड़ा हुआ हूँ जो पूरी तरह से बंद है। जिलाधिकारी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी शराब की दुकानें और मॉडल शॉप को आज पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही जो जगह जगह पुलिस चेकिंग की जा रही है, भारी पुलिस फोर्स भी नोएडा में तैनात किया गया है। नोएडा से गिरीश नारायण, R9 TV।